दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने चैनल सानू स्टडी 1998 पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2021 के बारे में। इसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों कि रिजल्ट डेट कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड कटअप कितनी रहने वाली है। तो मैं कटअप बताऊँगा दोस्तों, वो कैटेगरी वाइज कटअप रहेगी, और अदर न्यूज़ अगर इससे कुछ रिलेटेड है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट डेट के बारे में। दोस्तों, मैं रिजल्ट डेट बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम था वो 16 दिसंबर को, आप लोगों का पता है कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर 2020 को हुआ था। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि रिजल्ट होने में लेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का जो है दोस्तों अभी आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो अप्रैल के तक आप लोगों को आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कटअप के बारे में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कटअप के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टोटल पोस्ट थी दोस्तों वो थी 484, और जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों वो उसका दोगुना बुलाया जाएगा। जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उसका दोगुना बुलाया जाएगा, यानी कि 968 लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितनी फिलअप हुई। तो 3 लाख के करीब फॉर्म फिलअप किए गए थे इसके लिए। ओके, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कटअप के बारे में। अगर दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कटअप है वो 289 रहने वाला है मेल के लिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपका 188 रहने वाला है फीमेल के लिए दोस्तों। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में जानते हैं, EWS के बारे में। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो आपका कटअप रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है 283 से लेके 289 के बीच में मेल के लिए, और अगर आप फीमेल हो दोस्तों तो आपका जो कटअप रहने वाला है वो रहने वाला 170 से लेके 185 के बीच में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आगे OBC के कटअप के बारे में। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको मेल कैटेगरी में पास होने के लिए 284 नंबर से ऊपर की ज़रूरत है, और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 172 नंबर से ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में पास होने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए 277 नंबर ज़रूरत होगा मेल में, तब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर आप फीमेल हो दोस्तों तो आपका 143 नंबर चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारी ST कैटेगरी। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपका जो कटअप है 266 नंबर जाएगा मेल के लिए, और अगर आप फीमेल है दोस्तों तो आपका जो कटअप है वो 140 रहने वाली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है यहाँ पे EBS कैटेगरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। EBS कैटेगरी एक है, उसमें आपकी कितनी कटअप रहने वाली है, तो 276 रहने वाली दोस्तों मेल के लिए। ओके, और फीमेल के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए रहने वाली है 160 रहने वाली दोस्तों EBS कैटेगरी के लिए। ओके, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ। आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर आप लोगों को एग्जाम लाइसेंस करवाया जाता है, रिजल्ट कब तक आनी उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, कटअप कितनी रहने वाली है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी है किसी भी फॉर्म में उसके बारे में बात करते हैं, और किसी भी फॉर्म को कैसे भरा जाता है बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं उन लोगों का आंसर देता हूं। और फ्री बैचेज जो है दोस्तों आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, चैनल पे फ्री बैचेज स्टार्ट किया जा रहा है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।